किसानों नूं लैके जिहड़ा संघर्ष चल रहा उस दे विच कई मिसालां भी कायम हो रही ने ते कई चीज़ां जिहड़ियां पुरानियां ने वो भी खुल के आ रही ने। खैर अज असी जिहड़ी गल तुहानूं दसन जा रहे हां जदों असी गाजीपुर बॉर्डर ते पहुंचे ते एक बुजुर्ग जिन्हां नाल साडी मुलाकात हुई और जदों गलबात हुई ते पता लग्गिया कि वह महाराजा रणजीत सिंह दे समय दे ने उन्हां दे वंशज दे ने और हुण चूंकि यूपी रह रहे ने ते उन्हां नूं पता नहीं सीगा कि वह वंशज ने जदों इत्थे आए गाजीपुर बॉर्डर ते गल्लां तुरियां ते फिर पता लग्गिया। साडे नाल नौ सिंह जी ने, नौ सिंह ढिल्लों जी कहाँ से आप आए हैं और मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। हम मुरादाबाद से आए हैं और असी सब उत्थे काफ़ी जत्थे के साथ में रहने हैं। हम जो है हम साढ़े यहाँ गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा जाता, जैसे कि कोई आरष्टि है या कोई जन्म मरण का मामला है तो उसके भीतर जो है ग्रंथ साहब पढ़ा जाता। सियावड़ी भी निकालते थे, असी दसवां अंश भी निकालते थे, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा। अब हमें एक ये दिमाग में आई कि हम सरदार हैं और ये हमने देखा सारा माहौल यहाँ कि हमारे जो पहले गुरु थे, जो दसियों गुरु हुए हैं, उनकी कुर्बानियाँ हमारे दिमाग में हैं इस टाइम। और जो महाराजा रणजीत सिंह जैसे हमारे महारथी हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, हम उन्होंने वंशज हैं। इन्होंने जानकारी भी दी है, पूरा इतिहास हमें जो है समझाया तरीके के भीतर बैठाया गया। तो हमें उस बात से जो है ये थोड़ा सा ये आता है कि आज उसी तरह जो पूरा समाज का शोषण हो रहा है तो उनकी तरह उन्हीं के पद चिन्हों पर चल कर असी भी जो है एक संघर्षशील के तरीके में हम पूरे समाज का भला करने के लिए आज अपने कदम बढ़ाए हुए हैं। और अब हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने गुरुओं के क्षेत्र वाइज अपने क्षेत्रों में हम ऐसे महापुरुषों को अपने बीच में लाएं जिससे कि उन्हें हमें ज्ञान हो कि हम किसके वंशज थे। आपके घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी पढ़ी जाती है? हाँ जी। पढ़ी जाती थी अब पहले? नहीं, अब भी पढ़ते हैं। अभी पढ़ी जाती है। हम बताएं आपको, एक ओंकार सदनाम करता प्रग निरोग निर्भैर अकाल मूर्त अजून सैवम प्रसाद आद गुरे नमा जुगाद गुरे नमा सतगुरे नमा श्री गुरुदेव भाई नमा। आज भी हम सानू ज्ञान है इस बात का और उन्हीं पच्चीनों पर हम चल रहे हैं आज भी। बाकी अगली पीढ़ी आपकी, बाकी इनमें जो है मिलजुल के हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का रहा। बात यह है आने वाली पीढ़ी और अज्ञानता में जाएगी, कहीं देवी देवताओं का इधर उधर ब्राह्मणों के उसमें जो है फंसेगी, इसलिए हम उसे आने वाली पीढ़ी को भी बचाना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी भी हमारे साथ है। अब जो पता लगा कि वंशज हैं आप महाराजा रणजीत सिंह के, तो किस तरीके से अब आपको लगता है कि आगे करने की ज़रूरत है, मतलब आगे किस तरीके से अब पंथ को लेकर सिख कौम को लेकर के सोच क्या है आप? हमारी सोच ये है कि हम महाराजा रणजीत सिंह के वंशज हैं और हमें हमारे वंशजों ने, हमारे गुरुओं ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं सरदारी है और हम जो है नेतृत्व भी करते हैं अपने क्षेत्रों में, तो हमें महसूस तो पहले से ही होता था, लेकिन हम जो है ऐसी जगह बसे हुए हैं कि हम अपनी प्रथा को भूलते चले गए और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सब कुछ जानते थे करते थे। अब हम जो है, लेकिन हमारा अब मन ये है कि हम पूरी तरह से अपने गुरुओं को ले जाएँ और गाँव-गाँव लोगों से इकट्ठे करके और उसे जो अपने प्रचार करें और अपनी आने वाली नस्लों को जो है सारा पंजाबी बनावें, सरदार बनावें। बाबा जी पता लग गया जदों इन्हां दी थोड़े नाल मुलाकात हुई, गलबात हुई, पता लग गया कि जी वंशज ने, सो लगता है कि भाई जड़ा सिख कौम या सिक्खी जड़ी है तो बहुत दूर तक, पर शायद जड़े लोग विसार चुके ने हुण उन्हां नूं वापस राह ते लाण दी लोड़ है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि असीं एक प्रचारक हाँ संप्रदा राड़ा साहब तो बरसाए हुए संत बाबा बरियाम सिंह जी रतवाड़ा साहब वाले, असीं उन्हां दी संगत कीती है। यूपी दे विच स्थान है, ब्रांच है, मतलब कि सेंटर है प्रचारक का जिथे दास में सेवा आ, तो इन्हों अचानक रात बैठे सके तो उत्थे गलां चल पईआं, गलां चलते चलते फिर मैंने दस्या तुसीं तां शेर आ, तुसीं गिद्दड़ बन गए ना, हुण तां भेड्डां रही तो ना तुसीं शेर ही रहे, है कि नहीं। इन्हां फिर इन्हां दा पिछला विरसा जनाया वी जदों महाराजा रणजीत सिंह दा राज गया तो महाराणी जिंदा नेपाल नहीं तो लुक छुप के जा रही थी, ये ना क्या भी असीं छड़ना नहीं अपने राजे नूं, है ना, दूसरे तो बागी हो गए, ये कुरबानी के मारे अपना पिछा छड के मगर आए थे, पर इस जंगलों में इतनी नहीं मंगल ला ले, मगर तक तो जा नहीं सके उन्होंने, फिर इतने का जोड़ा कल्चर से वो होर सी, जी इन्हों मार पई राम राय की पई, जो गुरु घरों दुख ही सगा,
उन्होंने इड़के चढ़ गए। उन्होंने इन्हों भुलेखा ये रखा भी असी भी गुरु के पुत्र हाँ, असी भी सिख हाँ, पर सिख अंदरों नहीं सके। उन्होंने ऐसा टीका लाया कि इन्होंने ना सिख रहन दिता तो ना किसी होर पास दे रहन दिता। इन्हों की जी आस्था से श्रद्धा से वो तोड़ दी, क्यों किसी का बन के जो कोई करता ना वो ज़्यादा घातक होंगे। उत्थों फिर दशाहीन हो गए, इन्हें जोड़े बजुर्ग से वह तो मानते सके, पर यह गांह तो गांह हूँ बिगड़ता गया काम। तो मैं इन्हों गल करके ये कहा भी सानू तुसी प्लेटफार्म दो, असी प्रचार फ्री ऑफ कास्ट असी सेवा करते हैं, आल ओवर वर्ल्ड कितने भी जाने अभी किसी तो पैसा नहीं लेंगे। हाँ जी, तुम पता साडा राणा साहब की संपर्दा है, तो जो अरेजमेंट ही कर दिन बहुत है। हुण इन्होंने ये कहा भी असी उत्थे प्रोग्राम तुहानू आयोजित करके देवांगे, असी पिंडा पिंडा में जिवें पिंड जिवें जट ना घा खोदा बहुत जंगल होया होवे, ऐ तुहाडे पिंड पिंड सानू जाना पऊगा। असी हुण प्लैन बनाया भी पहला थानू गुरु ग्रंथ साहब नाल एक निशान साहब के थले लैके आईए, उस तो बाद नैक्सट सैट बाई सैट का। मैम वही थोड़ी देर पहले जरा जिक्र थोड़े नाल कर रहा कि संघर्ष ने ना बहुत कुछ इकट्ठा कर दिता, बहुत कुछ जरा वो संजो दिता है, या जो शायद लोग भुले गए पे से सारा कुछ चेते करवाता। हाँ, ये तो इतने इनवायरमेंट वो हुई है जिड़िया पिछलियाँ गल्ला गुरु नानक साहब जो सिद्धांत है सब तो बड़ा एक पिता एक असके मुबारक ये जना दिता भी असी उस वाहगुरु के सारे पुत्र हाँ। तो एक गल वास्ते एक पिता एक अस एक गल के उत्ते कि भी इकट्ठे हो गए तुर पोंगे सच से हक से तो तुम सब थोड़ी जित जितया फतेह फतेह है। ये इनवायरमेंट हुई है सारे मिलजुल गए हैं जिन्होंने असं नहीं भी जानते हूँ कदों के विछड़े है ना महाराज रणजीत सिंह के वेले के सानू संगत मिल गई जुड़े रहे ये टुट गए। एक इनवायरमेंट हुई है भाईचारा बन गया बहुत बड़ा जी आपस एक है ना जहर सी सिखा प्रति या मुसलमाना की हिंदुओं प्रति हूँ इतने मुसलमान भी आ रहे हैं सारे ही आ रहे हैं ए टू जैड आ रहे हैं एक जन अंदोलन बन गया वो भाईचारा एक बन गया जी सब तो वड्डी जो गुरु दसवें पातशाह से देर अस मसीहत होई पूजा और नवाज हो चाहे इतने पूजा करने वाला है चाहे इतने देरे जाने वाला है चाहे हिंदू है चाहे उन्होंने आस्था अपनी अपनी पर एक निशाने से सारे तुर पे सब तो वड्डी इनवायरमेंट हुई है। मैं तो यह लगता भी जो खालसा राज होना वो ये नहीं भी खालसा राज इस तरह का होना उस सारे होने हैं और ये इनवायरमेंट इतने नहीं है क्यों दस नूं फोन बाहरों क्यों बाहर जाना अमेरिका कनेडा यूरोप आस्ट्रेलिया सारे जाना सारे फोन आते हैं बाबा जी साडा भी जी करता भी असी भी आ जाइए इतने जहाज से चढ़ के पर यह नहीं पता सूँ एयरपोर्ट तो बाहर निकल दे ना निकल दे कि उन्होंने एक नवी बीमारी होर पाती कहते बड़ी डेंजरस आ सरकारां दे काम हुंदे आ पर बड़ी चढ़ती कला है। तो दसवें पातशाह जिहड़ा बीज बीजिया गुरु तेग बहादुर महाराज की शहादत भाई मती दास जी की भाई सती दास जी भाई दयाला जी की जेडे इतने अनेक सिंह शहीद होया मैं तो यह लगता भी सारे चो वरत रहे उन्होंने सारे दिन भी दर्शन हो रहे हैं नहीं तो एड्डा व्डा अंदोलन इन्ना कंट्रोल इन्ना पीसफुल इन्ना एनर्जेटिक कित देखा नहीं है। तो ये महाराज पातशाह जी मिसाल जी है वह पेश हो रही है या कह लिए कि बहुत सारा कुछ है जो इतिहासिक बन रहा है। परिवार यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला है ढिलों परिवार है और यह परिवार कह रहे हैं कि जो महारानी जिंदा उतों चली सी अमृतसर तो नेपाल वालू उदों नाल तुरे से पर इत रह गए सब कुछ भुल गए पर हूँ इतने आके गलबात करके जो पता लग्या तो असी कह वह कह रहे हैं कि मुख धारा के आने तैयार हाँ तो जोड़ा सिखी का बूटा उत्थे लावे तो उन्होंने प्रफुल्लित भी करा। कैमरामैन बिंतेश नवनीत सिंह बदवा लिविंग इंडिया न्यूज़ दिल्ली गाजीपुर बॉडर।